नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बता दें, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सालों पहले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 4 शिप्स बिल्ड करने का जो है ऑर्डर दिया था। इन 4 शिप्स में से 2 शिप्स थे 500 पैसेंजर कैपेसिटी वाले शिप्स, और जो बाकी के 2 शिप्स थे वो 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाले शिप्स थे। इनमें से जो 2 500 पैसेंजर कैपेसिटी वाले जो शिप्स थे वो थे सिंधु और नालंदा। तो सिंधु और नालंदा जो शिप हैं वो दोनों अंडमान निकोबार के फ्लीट में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, और जो बाकी बचे वाले 2 शिप्स थे जो जिनका नाम जो है अटल और अशोका होना था, ये 2 शिप्स जो है बहुत जल्दी अंडमान निकोबार के फ्लीट में इंडक्ट होने वाले थे। हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में ये जो है बताया जाता है आइलैंडर्स को कि जो 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाले शिप्स हैं वो काफ़ी जल्दी जो है अंडमान निकोबार के फ्लीट में इंडक्ट हो जाएंगे। पर अगस्त 13 को इकोनॉमिक टाइम्स ने एक स्टोरी जो है वो पब्लिश किया, और उस स्टोरी के हवाले से हमको ये पता चला कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 2 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाले जो शिप्स उन्होंने ऑर्डर करे थे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से, उनका डिलीवरी लेने से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया। यानी कि उन शिप्स को ऑलमोस्ट कोचीन शिपयार्ड ने बिल्ड करके रेडी कर दिया है, पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका डिलीवरी कोचीन शिपयार्ड से लेने से मना कर दिया। और इस डिलीवरी ना लेने का रीज़न अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद कोचीन शिपयार्ड को ये बताया है कि लैक ऑफ डिमांड फॉर शिप ट्रैवल, यानी कि शिप ट्रैवल जो है अब अंडमान निकोबार में उतना पॉपुलर नहीं रहा, डिमांड उतना नहीं है शिप ट्रैवल का, इसके वजह से वो जो है इन शिप्स का डिलीवरी लेने से मना कर रहे हैं कोचीन शिपयार्ड को। ये इकोनॉमिक टाइम्स के स्टोरी में लिखा है। हम आपको बता दें कि जो टोटल जो 4 शिप्स है उनको अराउंड 1294 करोड़ में जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कोचीन शिपयार्ड को दिया था। उनमें से जो ये 2 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाले शिप्स है इनका जो है ऑर्डर वैल्यू अराउंड 819.22 करोड़ का था, और इन दोनों शिप्स का डिलीवरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने लेने से मना कर दिया है, लैक ऑफ डिमांड फॉर शिप ट्रैवल का रीज़न देते हुए इकोनॉमिक टाइम्स के स्टोरी के हिसाब से। आगे हम आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड के किसी एनोनिमस एम्प्लॉय ने या कोई जानकार ने इकोनॉमिक टाइम्स को ये बताया है कि कोचीन शिपयार्ड को इसमें कोई लॉसेस जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो शिप बिल्डर है कोचीन शिपयार्ड उनको जो है रेगुलर पेमेंट्स जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से जो है रिसीव हुआ है। जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो स्टेज वाइज पेमेंट है वो उनको रिसीव हुआ है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है अभी नया बायर्स जो है नया बायर्स को जो है फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि नए बायर्स को जो है वो ये शिप जो है बेच सके। और हम आपको बता दें ये वेजल्स जो है ये इस वक्त जो है कोचीन शिपयार्ड का जो बर्थ स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और वाटर फ्रंट जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। और कोचीन शिपयार्ड जो है फर्स्ट जो ऑप्शन जिसको सेल करने के लिए एक्सप्लोर कर रहा है वो है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ए नया वेजल का जो है ऑर्डर देने ही वाला था कोचीन शिपयार्ड को, जब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 2 वेजल्स यानी कि अटल और अशोका का जो है डिलीवरी लेने से मना कर दिया। तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को ये शिप्स जो है वो भेज दें। उनका सेकेंड ऑप्शन है इन शिप्स को बेचने के लिए गवर्नमेंट डिफेंस एजेंसी, और वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिफेंस एजेंसी इन शिप्स को जो है जो इंडियंस बाहर फंस जाते हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड उनका ऑप्शन है वो है कि किसी प्राइवेट एंटिटी को ये शिप्स वो भेज दें। और इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी के हिसाब से इन शिप्स जो भी इन शिप्स को खरीदेगा उनको जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी अच्छा डील मिलेगा। उनका ये बोलने का तर्क ये है क्योंकि जब ये शिप्स को ऑर्डर करे गए थे ऑर्डर करने के दौरान स्टील का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लो था, और अब स्टील का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जो भी इन शिप्स को अभी खरीदेगा उनको एक काफ़ी अच्छा डील मिलने वाला है। साथ ही साथ
हम आपको बता दें कि कोचीन शिपयार्ड ये कह रहा है कि उनके पास जो है इनफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि अंदर जो एकोमोडेशंस है और लिविंग क्वार्टर्स है उनको इजीली रिकन्फिगर कर सकता है जो भी नया बायर होगा उसके हिसाब से। तो जो भी नया बायर होगा उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये कोचिन शिपयार्ड का कहना है। और उनको वो रिकन्फिगर करके दे सकते हैं शिप्स का अंदर का जो लिविंग क्वार्टर्स है और जो एकोमोडेशन है उसको। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी आ रहा है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दो शिप्स है जो जो ऑलमोस्ट कोचिन शिपयार्ड ने बिल्ड कर दिया है, अटल और अशोका, इनका डिलीवरी लेने से मना कर दिया। और इकोनॉमिक टाइम्स के स्टोरी के हिसाब से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलीवरी लेना इसीलिए मना किया क्योंकि वो बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार में 1 लाख है शिप ट्रैवल का डिमांड, बहुत ज़्यादा जो है कम हो गया अंडमान निकोबार में। तो उसके वजह से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जो है इनसे जो है डिलीवरी लेने से मना कर दिया कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड से। और उनका फर्स्ट चॉइस है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन इन शिप्स को सेल करने के लिए क्योंकि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन नए शिप्स को ऑर्डर देने ही वाला था। उससे पहले जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इन शिप्स का डिलीवरी लेने से जो है मना कर दिया। तो इस के आने के बाद, पब्लिश होने के बाद जो भी पॉलिटिकल लीडर्स का रिएक्शन होता है वो रिएक्शन हम आपको अगले स्टोरी में जो है जरूर दिखाएंगे। हमने ऑलरेडी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को, दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो दो बड़े पार्टी हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, उनको कांटेक्ट ऑलरेडी कर लिया है। और उनको हमने न्यूज़ स्टोरी भी भेज दिया, उन्होंने हमको बोला है कि वो न्यूज़ स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद हमको इसके बारे में कमेंट देंगे। तो उनका कमेंट भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग, कई लोग हमारा न्यूज़ स्टोरी देखते तो हैं लेकिन ऑलमोस्ट 75% लोग जो है न्यूज़ स्टोरी देखने के बावजूद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और निकोबार टाइम्स के लिए के साथ बने रहें ताकि हम जो है इस तरह के न्यूज़ स्टोरी आपके लिए लेकर आते रहें और हमको भी एनकरेजमेंट मिले कि हमारा जो है वो सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, जो व्यूअर बेस बढ़ रहा है, तो हमको उनके लिए नए नए न्यूज़ स्टोरीज जो है लाना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, ये काफ़ी एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ था जहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो दो शिप्स अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंस्ट्रक्ट करे थे, जिनका ऑर्डर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, अटल और अशोका, इन दोनों शिप्स का डिलीवरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने लेने से मना कर दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ डिमांड फॉर शिप ट्रैवल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो ये एक बिग ब्रेकिंग स्टोरी है और इसका आगे का अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।